है कोयली, एक छोटा सा गांव, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो आज से 6 महीने पहले की है। और इन्हीं 6 महीने पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था आज से 6 महीने पहले। यार ये कोरोना कहाँ रह गया? अबे कहाँ है तू, जल्दी आना। अरे ये देख आ गया। साले कितनी देर कर दी तूने, रोहन वहां इंतजार कर रहा है हमारा। हाँ ठीक है, चल जल्दी चल। क्या यार तुम लोग मोबाइल में लगे हुए हो, इट्स टाइम टू फन। हमारे पास सिर्फ 1 साल है एंजॉय करने को, उसके बाद में हम सब अपनी अपनी जॉब के लिए अलग अलग शहरों में चले जाएंगे, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। यार रोहन तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है, हम मिलते रहेंगे यार। क्रुणाल तू तो कुछ बोल ही मत, हम सबको पता है कि तू अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं हुआ, और इस बार भी है या इस बार भी। गौरव Just shut your mouth and... Hey, रुको यार, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। क्या कर रहे हो मेरे लंगोटे यारो? Hey आदित्य, good to see you यार, इतने सालों बाद आया है, बिल्कुल बदली गया है यार तू तो, और सच कहूँ बिल्कुल सही वक्त पे आया है, ये दोनों अभी लड़ने ही वाले थे। क्यों दोस्तों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्यों बे साले है, 10 साल बाद दोस्तों की याद आई, तू तो हमें भूल ही गया था। ठीक कह रहा है कृणाल, ये अब हमें भूल गया है। लगता है दोस्तों को मनाना पड़ेगा, चांद को मनाने की रोशनी की ताकत, हवा को चीरती हुए दोस्तों की सराहत, खुदा के दर पे मिली जो हमें प्यार की इबादत, हम खुदा के वो बंदे हैं जो जी जाएंगे जिंदगी जैसे एक हसीन मुस्कुराहट।
तो आदि क्या चल रहा है आजकल, कैसा होना हुआ? अच्छा ही हुआ जो तू आ गया। हम सब कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने ही वाले थे, अब सब साथ जाएंगे। नहीं यार, इस बार नहीं, यहाँ मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। क्या जरूरी काम? चोरी, लोगों की कीमती चीज चुरानी है। क्या, क्या? वाह मजा आएगा। शट अप कुणाल, आदि इट्स नॉट जोक, तू क्या बोल रहा है? देख लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है, हम कल बात करेंगे। अभी एक और झटका बाकी है, पता है मेरे साथी कौन होंगे? नो प्लीज, मैं ये सुनना नहीं चाहता। तुम लोग होंगे मेरे साथी। आदि तू क्या बकवास कर रहा है यार, हम में से कोई तेरे साथ नहीं देने वाला। ये किसने कहा? मैं तो आदि का साथ दूंगा क्योंकि इसमें किक मिलती है। अगर तुम लोगों ने ये मजाक बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे बम्पे किक दूंगा। गाइस कम डाउन, मेरी बात तो सुनो, हम हर बार घूमने तो जाते हैं, लेकिन इस बार हम टीम में घूमने जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो यार, देख स्वच्छता अभियान जोर शोरों से चल रहा है, ऊपर से जो लोग ये काम करते वो अपनी फोटोज तारक मेहता की वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, उन्हें वहाँ बुलाकर पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ करेंगे। ये जो छोटा सा गंदा सा शहर है उसे साफ करेंगे और फोटोज लेंगे और वेबसाइट भी अपलोड भी करेंगे। जरा सोचो यार, हम टीवी आ जाएंगे तो कितने फेमस हो जाएंगे। उसके बाद गौरव तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश, रोहन तेरा फेमस होने का सपना भी पूरा, और कृणाल तुझे तो लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट की लाइन लग जाएगी। जरा सोचो दोस्तों। मैं तैयार हूँ। मैं तो पहले से ही तैयार था। ठीक है मैं भी तैयार हूँ। देन कम ऑन गाइस, गेम बिगिन। लेकिन आदित्य ये सब हम करेंगे कैसे? बहुत आसान है, हमें सिर्फ कुछ पोस्टर्स और अनाउंसमेंट का इंतजाम करना है, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि हम स्वच्छता का बेड़ा उठाने वाले है। एक हफ्ते बाद लो आ गए भैंस का भला करने वाले। लाइए अपना कीमती सामान हमें दे दीजिए। लाइए अपना कीमती सामान हमें दे दीजिए। यार आदि मुझे एक बात बताया, तो हमसे ये क्यों बुलाता है कि लाइए अपना कीमती सामान हमें दे दीजिए? इसके पीछे भी एक राज छुपा है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम ये कचरा जमीन में गाड़ दो। चलो यार, जिंदगी में और बचा भी क्या है इसके अलावा? ओ मेरी नाजुक कली, थक गई क्या? यहाँ तेरी थकान उतार दो। शट अप कृणाल, तू तो मुझसे दूर ही रहकर। फ्रेंड्स लेट्स मूव प्लीज। आदि ये रोज एक ही काम अब नहीं होता यार, मुझे किक चाहिए यार। ये ले मिल गई ना किक। अरे यार ऐसा मत करो, कृणाल को किक चाहिए तो हम उसे देंगे। चल करो शुरू हो जा। हे हॉटी, ये तेरे मसल कितने स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास तो आ। नहीं कृणाल सिर्फ मेरा है, उसके सिक्स पैक्स एप्स पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं यार, उसके एप्स, उसके मसल्स, उसकी बॉडी और उसके होठों पे सिर्फ मेरा हक है यार। दोस्तों ये तुम लोगों को क्या हो गया? प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं चाहिए केक। मम्मी मुझे बचाओ इन दरिंदों से। 6 महीने बाद कृणाल चल उठ जा, सबका कीमती सामान लेने जाने का टाइम हो गया है। चल जाना बे, तेरे खुद का तो बत्ती जैसा मुंह है, तू क्या मुझे उठाएगा? कृणाल उठ जा भाई, चल वक्त हो गया है। आया आदि। वाह ये अच्छा है, मैंने जगाया तो बत्ती जैसा मुंह और आदि ने जगाया तो क्या? तुम दोनों का झगड़ा खत्म हुआ हो तो काम पे चले।
आदि एक बात बता, हम रोज जाते हैं कचरा इकट्ठा करते हैं, हम हर हफ्ते रास्तों की भी सफाई करते हैं, हमने जो तालाब है उनकी भी सफाई की है। इन शॉर्ट पूरे शहर का नक्शा बदल दिया तो क्या? हाँ। तू पूछना क्या चाहता है गौरव? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये और कब तक चलेगा? पिछले 6 महीने से हम ये कर रहे हैं और अब तक टीवी से बुलावा नहीं आया। बस कुछ दिन और मेरे भाई। कृणाल, आज तू गौरव की जगह जाएगा। अरे लेकिन मैं क्यों यार? ठीक है, जाता हूँ। लाइए अपना कीमती सामान, हमें दे दीजिए। आवाज तो अंदर से ही आई है, लगता है मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? चलो मैं खुद ही कचरा लेके निकल जाता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? महेश भाई, वो मैं कचरा लेने आया था। सच सच बता, कचरा लेने आया था या मेरी बेटी को छेड़ने आया था? थोड़ा तो सोच के बोले, ये क्या बोल रहे हो आप? अबे चुप साले गंदी नाली के कीड़े, मैं तुम जैसों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले सफाई का नाटक किया और अब लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। तुम जैसे लोगों को तो शहर में रहना ही नहीं चाहिए। महेश भाई बस बहुत हो गया, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। साले तेरे माँ बाप ने अगर अपनी लिमिट क्रॉस ना की होती ना, तो आज तेरे जैसा गुंडा पैदा नहीं होता। अब बहुत बोल लिया आपने, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। महेश भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए, ऐसा फिर से नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे जा पहले तमीज सीख के आ। आखिर तुझे उनसे झगड़ने की जरूरत क्या थी? कृणाल, माना कि गलती उनकी थी, लेकिन हाँ, तुझे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। हमारी इतनी महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी, अब कुछ बोलेगा ये ऐसे ही बैठा रहेगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने हम सबको सपने दिखाए और हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ इज्जत गई। आज मेरी जमीर को चोट लगी है। कृणाल माइंड योर लैंग्वेज, मैं ये जो सब कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं, सबके लिए कर रहा हूँ। अपने दोस्त के कॉलर पे किसी का हाथ देखा फिर भी तू चुप रहा, उसमें तूने क्या अच्छा किया? क्योंकि मैं हमारी इतने महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिर बर्बाद तो तूने कर दी है, हमारी दोस्ती को तूने बर्बाद कर दिया। कृणाल लिसन टू मी ब्रो, जस्ट लीव मी आदित्य, अदरवाइज आई विल किल यू राइट नाउ। अबे तू पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है तू? अरे कृणाल इसको पूछो ज्यादा तो। नहीं दोस्तों, उसे कुछ मत बोलो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मारना चाहता है ना मुझे, ये मार दे। आदित्य तो 6 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया था, तू क्या उसे मारेगा? अगर आदित्य मर चुका है तो तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कार्तिक, तुम लोगों की तरह मैं भी आदित्य का दोस्त हूँ। तो फिर आदित्य कहाँ है और उसका नाम लेके हमसे क्यों मिले? इतने दिनों तक हमसे ये बात छुपा के क्यों रखी? और आदित्य हूँ ऐसा कहके हमसे सफाई का मिशन क्यों करवाया? जानना चाहते हो आदित्य के साथ क्या हुआ था आज से 6 महीने पहले? हेलो मिस्टर आदित्य यार। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं अभी आता हूँ।
मैं आदित्य, मेरी बहन को क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, उसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, जिसे आम भाषा में लोग टीबी कहते हैं। बट वी आर लकी, वो फर्स्ट स्टेज पे है, लेकिन ये भी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमें उसे 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर खुद भी कीजिए, मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। आदित्य संभालो अपने आप को, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मेरी बहन ही क्यों डॉक्टर? डॉक्टर ये उसे कैसे हुआ डॉक्टर? देखो आदित्य, सारे टेस्ट करने पे हमें पता चला है कि उसे ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, जो उसके शरीर में सांस लेने की वजह से दाखिल हुई है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। देखो आदित्य, आजकल ये जो गंदगी बढ़ गई है, उसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस सारी जगह पे फैल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ कचरा रास्ते पे डाला, लेकिन सच कहूँ तो उन्होंने अपनी जिंदगी को रास्ते पे डाल लिया होता है। कचरे की वजह से ये बैक्टीरिया और वायरस बड़ी तेजी से अपना फैलाव करते हैं, और हमारे नाक द्वारा जब हम सांस लेते हैं तब ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तुम्हारे बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही उसके शरीर में चले गए और उसे टीबी हो गया। लेकिन डॉक्टर ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं समझाता हूँ आदित्य, क्या होता है कि ये जरूरी नहीं कि सभी बीमार पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में बीमारी होती है लेकिन वो हमें पूरी तरह से ठीक लगते हैं, ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं। और जब ये लोग रास्ते पर थूकते हैं या अपने हाथ साफ नहीं करते या उनकी छुई हुई कोई भी चीज़ के कॉन्टेक्ट में हम आते हैं, जब उनका जूठा खाना रास्ते पर फेंकते हैं या उनकी यूज़ की हुई कोई भी चीज़ रास्ते पर फेंकते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो सिर्फ कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बीमारी को भी बाहर फेंकते हैं। और इसके अलावा जो लोग रास्ते पर खाए हुए पैकेट्स, अपना बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जो यूं ही रास्ते पर या किसी कोने में डाल देते हैं, तब थोड़े दिनों बाद वो कचरा सड़ना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे जीव जंतु उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर वो उस वाले कचरे पर जाते हैं जहाँ बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। वही जीव जंतु हमारे शरीर पे, हमारे खाने पे बैठते हैं और उनके द्वारा बीमारी हमारे शरीर में जाती है। और जो वायरस या बैक्टीरिया मुँह से शरीर में नहीं जा पाते, वो हमारे नाक से सांस लेने के दौरान शरीर में चले जाते हैं और इस तरह ये बीमारियाँ फैलती है। लेकिन डॉक्टर मेरी बहन बच तो जाएगी ना डॉक्टर? देखते हैं आदित्य, हम कोई भी जवाब 48 घंटे के बाद ही दे सकते हैं। आइए आप अपनी बहन से मिल सकते हैं। भैया कैसे हैं आप? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज भैया आप रोइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। भैया पता है माँ क्या कहती थी? जिंदगी में जब भी अपने आप को अकेला समझो तो मुझे याद कर लेना। अरे भैया आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? भैया बताइए ना डॉक्टर ने क्या कहा? भैया क्या कहा डॉक्टर ने? भैया कुछ तो बोलिए, भैया मुझे जवाब दीजिए ना। After 48 hours. Sorry आदित्य, हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाए। ये क्या हो गया यार? तू रुक, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नहीं कार्तिक नहीं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। मेरी बहन ही मेरी जिंदगी थी, अब जब वो ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूँगा? मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे मेरे यार। ऐसा मत बोल यार, तुझे कुछ नहीं होगा। कार्तिक मैं चाहता हूँ
कि जिस वजह से मेरी बहन की मौत हुई है उस वजह से और कोई नहीं मरना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस वजह को तुम जड़ से मिटा दो। हाँ आदित्य, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन अभी मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने दे। मैं आदित्य बेबस और लाचार हूँ आज आपके सामने। मैं जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा हूँ, लेकिन ये सिलसिला मेरी मौत के साथ खत्म नहीं होगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत का सन्नाटा आप सभी को सुनाई दे। आदित्य की मौत के बाद मैं डॉक्टर से मिला, उसके बाद मुझे सारी हकीकत पता चली और आदित्य ने जाते जाते मुझसे कहा था कि उसके दोस्त मेरे काम आएंगे, इसीलिए मैंने पहले तुम लोगों के बारे में पता किया और तुम लोगों को अपना अपना फ़ायदा दिखाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। मैंने ये सब सिर्फ आदित्य की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था। तो फिर तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ सही कहा, अगर तुमने ये हमें पहले बताया होता तो हम और जी जान से मेहनत करते। तुमने ये पहले ना बताकर बहुत बड़ी गलती की कार्तिक। अरे कैसे बताता तुम लोग को ये बातें? मैं चाहता था कि सभी लोग इस बात को समझे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। मैं बताता और तुम कुछ करते, उससे अच्छा कि तुम लोगों को खुद इस बात का एहसास हो। और इसीलिए कृणाल तू पूछता था ना मेरे भाई कि मैं ये क्यों बुलवाता हूँ कि लाइए अपना कीमती सामान हमें दे दीजिए, क्योंकि मेरे भाई कचरा जिसकी आज किसी को कोई अहमियत नहीं है वो सच में बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि साफ सफाई ना होने की वजह से और गंदगी कचरा बढ़ने की वजह से आदित्य की बहन की मौत हो गई थी और मेरे भाई जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज सब बस यही सोचते हैं कि सफाई रखना सरकार का काम है, लेकिन जिंदगी बचाना सरकार का काम नहीं है और जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। वो ना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना ही लोगों की, वो हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी हेल्थ का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है और इसीलिए हमारे कचरे का भी ख्याल हमें खुद ही रखना चाहिए। अगर हम कचरा रास्ते की बजाय सही जगह पे डालना शुरू कर दे तो बीमारी फैलना अपने आप खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ जो कि हेल्थ है, ना कोई धन दौलत और पैसा, वो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन लोग ये बात समझना ही नहीं चाहते, वो बस गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल उस गंदगी की कीमत उन्हें खुद ही चुकानी पड़ेगी अपनी जिंदगी से हाथ धोकर। सही कहा कार्तिक, मैं समझ गया कि सच में कचरा ही सबसे कीमती चीज है और कचरा यहाँ वहाँ डालकर गंदगी फैलाकर लोग खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। आज से आदित्य के इस मिशन में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ कार्तिक, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब मिलकर ये बात लोगों तक पहुँचाएंगे कि कचरे को अपनी सही जगह पर यानी कि डस्टबिन में डाला करें। देखो आदित्य, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जिस मिशन की शुरुआत तुमने की थी उसमें आज लोग जुड़ना शुरू हो गए और मैं ये वादा करता हूँ कि एक दिन ये सारी दुनिया इस बात को समझेगी जो तुम लोगों को समझाना चाहते थे।
बॉम्बे स्टाइल लाओ। आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। के बदल देंगे लोगों की सोच।